आजकल की बढ़ती हुई बीमारियों को और घटती हुई इम्यूनिटी को क्या आयुर्वेद से संभाल सकते हैं? मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आज इस बात पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 साल पहले अथर्ववेद से हुई है। तब से लेकर आज तक आयुर्वेद मनुष्यों के रोगों को नेचुरल तरीके से ठीक करता हुआ आ रहा है। आयुर्वेद मुख्यतः दो सिद्धांतों पर काम करता है। फर्स्ट सिद्धांत है स्वस्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए, और दूसरा सिद्धांत है आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, कि व्याधि ग्रसित मनुष्य, अगर मनुष्य को बीमारी हो गई है तो उसकी व्याधि को फिर से ठीक करके उसको फिर से हेल्दी कैसे किया जाए। स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए आयुर्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 1, काल भोजन करना चाहिए मनुष्य को, यानी कि प्रॉपर टाइम होना चाहिए खाने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करना चाहिए, कभी भी कहीं भी कैसे भी नहीं करना चाहिए। रूल नंबर टू, भरपेट भोजन करने से हमेशा बचना चाहिए। भोजन के बाद में पेट का 1/3 पार्ट को खाली रखना चाहिए। भोजन को रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए। रूल नंबर 3, पानी की मात्रा, पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए और भोजन के कम से कम 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। रात्रि में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना प्रॉपर तरीके से जरूरी है। अगर बाई चांस रात में कभी नींद डिस्टर्ब हो गई, अगर हम नहीं सो पाए किसी कारणवश, तो वो नींद का जितना आर्स रात में नहीं सोए उसका हाफ आर्स हमें दिन में सोना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 4 घंटे की नींद रात में नहीं ली है तो हमको कम से कम 2 घंटे दिन में सोना जरूरी है। रूल नंबर 5, मॉर्निंग में खाली पेट मिनिमम 45 मिनट्स का वर्कआउट करना जरूरी है, जिसमें 15 मिनट का वॉक होना चाहिए, 15 मिनट का प्राणायाम होना चाहिए और 15 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। आफ्टर डिनर रात्रि में 15 मिनट का वॉक करना जरूरी रहता है।